हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। डिस्काउंट मिला है क्या कभी पिछले 3 साल में गाड़ियों पर? नहीं मिला ना, नहीं सुना होगा। इवन दिसंबर में भी जब हम गाड़ी लेते हैं ना, तब भी 1-2% डिस्काउंट आ जाता है। अभी दिसंबर गया है, 10% तक मैक्सिमम हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट हम भूलते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी जो सिलिकॉन चिप्स थी, जिनकी वजह से, जिनको हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ कम बन रही थी, गाड़ियाँ मिलनी मुश्किल हो गई थी, तो डिस्काउंट तो छोड़ ही देते हैं। और चलिए, रेट टू रेट भी नहीं मिल रही थी, मतलब जितना एक्शोरूम प्राइस है ना उसमें भी नहीं मिल रही थी। एक्स्ट्रा एसेसरीज लगा कर वो दे रहे थे, हम 50,000 की एसेसरी देंगे तभी आपको गाड़ी मिल पाएगी। लेकिन 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 वो टाइम अब जाने वाला है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं जाएगा, सिर्फ तीन महीने डिस्काउंट आने वाला है अच्छा खासा। तो अगर गाड़ी लेने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयार हो जाइए बढ़िया डिस्काउंट लेने का। थोड़ा कम भी मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, दोनों केस बताऊंगा और क्यों वो डिस्काउंट मिल रहा है और सिर्फ 3 ही महीने क्यों मिल रहा है, सारी बातें कर लेते हैं। आपने देखा होगा वो टाइम जब 2020 अप्रैल में BS6 आ गया था, BS6 के नॉर्म्स आ गए थे, BS4 चला गया था। तब हमने देखा था यार, गाड़ियाँ बेचने के लिए ना कंपनी को क्या करना था कि रातों रात मोटे मोटे डिस्काउंट देने पड़े, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से वो गाड़ियाँ रजिस्टर होनी बंद हो गई थी जो BS4 वाली है, वो किसी काम की नहीं थी, वो सिर्फ कबाड़ा हो गई थी। या तो आप उसको रजिस्टर मत कराइए, रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्टर होगी नहीं, बगैर नंबर के चलाएंगे कहाँ। तो इस वजह से मोटा डिस्काउंट आया था। अब फिर से वही टाइम आ रहा है, BS6 का फेज 2 जो है वो अप्रैल 2023 से नया लागू होने वाला है। पहले क्या फेज आया था उसकी बात थोड़ी सी फटाफट बता देता हूँ, क्या हुआ था उसमें। उसमें जो हमारा धुआं निकलता ना, उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं हानिकारक, उसको गवर्नमेंट ने बोला था आप इनको कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए, ताकि पोल्यूशन कम हो। तो कंपनीज़ के पास अपनी एक R&D लैब थी, जिसमें उन्होंने उसको कंट्रोल करके दिखा दिया और बोल दिया जी हमने इसको कंट्रोल कर लिया है, कैटलेटिक कन्वर्टर लगा दिया है और वो कंट्रोल है, ठीक है, मान गए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो इसका फेज 2 है वो क्या कहता है कि आपकी लैब में नहीं चलेगा, लैब वाला धुआं टेस्ट मत कीजिए, जब गाड़ी सड़क पर चलती है ना तब का टेस्ट कीजिए, क्योंकि सड़क पर चलते हुए काफ़ी टाइप की अलग अलग कंडीशन बनती हैं जिसमें गाड़ी ज़्यादा धुआं छोड़ती है, ज़्यादा वो पोल्यूटेंट निकलते हैं, वो उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब हमारी गाड़ी ट्रैफिक जैम में भी खड़ी है, तेज़ चल रही है, कम चल रही है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, लोड ज़्यादा है, कम है, पुरानी हो गई या नहीं हो गई है, बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से गाड़ी में पोल्यूटेंट ज़्यादा निकलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है आप लाइव ट्रैकिंग कीजिए इसकी, लाइव टाइम पर इसको जो है धुआं अपना कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो वो है BS6 का जो है फेज 2। अब उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और इनको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वो पुरानी गाड़ियाँ ना, सिर्फ BS6 फेज 2 वाली नहीं, मतलब BS6 फेज 2 वाली ही बिकेंगी अप्रैल 2023 से, BS6 वाली नहीं बिकेंगी। अब उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, कुछ गाड़ियाँ तो हैं डीजल की गाड़ियाँ भी हैं, कुछ पेट्रोल की भी हैं, जो ऑलरेडी BS6 के जो फेज 2 के नॉर्म्स हैं ना उनको कंप्लाई करती हैं ऑलरेडी, अभी से उनमें BS6 फेज 2 वाले जो लगा होना चाहिए, जो कन्वर्टर लगा होना चाहिए वो लगा हुआ है, उन पे तो डिस्काउंट पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, उन पे आएगा लेकिन कम आएगा, वो कौन सा आएगा वो भी बता दूंगा। लेकिन जो गाड़ियाँ BS6 फेज 2 के अकॉर्डिंग अभी तक नहीं हैं, उन पे आपको मोटा डिस्काउंट मिलने वाला है, अगले 3 महीने ही मिलेगा। क्यों? January, February, March 2023, सिर्फ 3 महीने क्यों? क्योंकि अप्रैल के बाद तो ये गाड़ियाँ वैसे ही नहीं बिक पाएंगी, 1 अप्रैल 2023 से गाड़ियाँ कबाड़ा हो जाएंगी जो BS6 फेज 2 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। अब कबाड़े का ये मतलब नहीं है कि आपको कबाड़ा खरीदना है, कबाड़े का मतलब है वो गाड़ियाँ सिर्फ रजिस्टर नहीं हो पाएंगी, वो BS6 तो रहेंगी लेकिन फेज 2 के अकॉर्डिंग वो वाली गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। तो अप्रैल से पहले पहले आपको गाड़ियाँ खरीद लेनी है, किस तरीके से खरीदनी है वो भी अभी बात करेंगे, और 2 टाइप के डिस्काउंट कैसे आ सकते हैं सेम गाड़ी पर वो भी बात कर लेते हैं। अब कुछ गाड़ियां हैं जो 2022 की मैन्युफैक्चरिंग थी, 2022 चला गया है, 2023 आ चुका है, तो 2023 में उन गाड़ियों पर डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी मारुति ने भी जनवरी के ऑफर्स निकाल दिए हैं, जैसे इग्निस है, इग्निस पे अगर आप 2022 वाली गाड़ी लेते हैं ना, उस पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 23 वाली पे कम मिलेगा। सेम बलेनो है, 22 वाली मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप गाड़ी लेते हैं उस पर डिस्काउंट है, 23 वाली पे डिस्काउंट नहीं है। ऐसे ही सियाज है। तो जैसे जैसे ये टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंपनीज को लगेगा यार हमारी गाड़ियाँ ना निकल नहीं रही हैं, धीरे धीरे अप्रैल आ रहा है,
तो इन गाड़ियों को कैसे निकाले, तो वो डिस्काउंट बढ़ता ही चला जाएगा। और जो BS6 फेज़ 2 को ऑलरेडी मीट करती हैं गाड़ियाँ, अगर 2022 का कोई वेरिएंट बचा हुआ है तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। 2023 में अगर मैन्युफैक्चरिंग का है ना, उस पर डिस्काउंट मिलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो अब आपको डिस्काउंट लेना कैसे है, मान लेते हैं आपको मारुति की कोई गाड़ी लेनी है, तो आप मारुति के शोरूम में जाइए। सिर्फ एक शोरूम से काम नहीं चलेगा, आपको 2 से 3 शोरूम में जाना पड़ेगा। क्या उनके पास 2022 का वेरिएंट कोई बचा हुआ है, आपको किस केस में 2022 लेनी है, किस केस में 2023 वाली गाड़ी लेनी है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ। मतलब गाड़ी खरीदने से रिलेटेड ना काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की अलग अलग वीडियोज है, 4-5। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एक प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो आप अगर लंबे टाइम के लिए लेना चाहते हैं, बता देता हूँ, तो आप 2022 का वेरिएंट ले सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप उनसे पूछ लीजिए क्या इस पर मतलब कोई वेरिएंट आपके पास खड़ा है, उस पर कोई डिस्काउंट है क्या, वो बता देंगे आपको, जी हाँ डिस्काउंट है। तो आपको ना एक नज़र बना कर रखनी है, जब फरवरी आएगी ना तो उस पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, जब मार्च आ जाएगा तो उस पर मैक्सिमम आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। और कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी 1 अप्रैल 2023 को, उसकी भी लिस्ट के एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, 17 गाड़ियाँ हैं। अगर उनमें से आपको ख़रीदनी है तो उस पर तो अभी से मोटा डिस्काउंट शुरू हो गया है, आने वाले टाइम में तो मतलब छप्पर फाड़ कर उस पर डिस्काउंट मिलने वाला है। और कुछ अब आगे जाकर भी, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ अप्रैल तक ही ये डिस्काउंट मिलेगा, 1 अप्रैल 2023 के बाद भी डिस्काउंट हमें कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, जैसे हमें कोविड से पहले मिल रहा था, वो वाला डिस्काउंट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक शॉर्टेज थी सेमीकंडक्टर की, अब वो पूरी हो चुकी है। डिमांड जो है वो 50% से भी नीचे आ चुकी है, पहले जो 150% पर डिमांड थी ना, वो 50% तक आ चुकी है। जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी कम कर दिया है, क्योंकि वो डिमांड नहीं रही है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने गाड़ी ख़रीदनी थी कोविड के टाइम पर, या वो डिमांड जो रुकी हुई थी वो डिमांड भी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी लोगों ने जिन्होंने गाड़ी ख़रीदनी थी वो ख़रीद चुके हैं जो रुके हुए थे, अब नॉर्मल वो चीज़ें आती चली जाएंगी, धीरे धीरे फिर से हमें वो डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्सॉन पर आप सोच सकते हैं मैंने कितना डिस्काउंट लिया होगा, मैंने इस पर 1,00,000 रुपये का डिस्काउंट लिया था, अब 1,00,000 रुपये क्या 10-12,000 रुपये डिस्काउंट मिलना मुश्किल है। तो वो टाइम आ जाएगा, धीरे धीरे वापस आ जाएगा, जल्दी ही आने वाला है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि शुरू हो चुका है, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, फिर BS6 फेज़ 2 के नॉर्म्स हैं, उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। धीरे धीरे हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं एक्ट्रिस्ट गाड़ी ख़रीदने के टाइम पर। तो अगर आपको कुछ और पूछना है ना इसके बारे में, कैसे क्या ले सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल मुझे कर सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको ये वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।